हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज अच्छे ही होंगे। आज 20 तारीख है, संडे का दिन है, और आपके लिए एक स्क्रिप्ट लेके आया था, प्योर टेक सॉल्यूशन। ये पहले आईटी सॉल्यूशन से बिलोंग करता था, आईटी सेक्टर में काम करे जो होता था, लेकिन अभी इसने छोड़ दिया और फार्मास्यूटिकल से ज़्यादा रिलेटेड बिजनेस करती है। वी 111 के आसपास आ रहा है, इसका 52 वीक जो हाई है 194 है, लो है 94। तो आप इसको 92 के स्टॉप लॉस से रखें, और टारगेट होगा पहला 130, फिर 153 और 190। ये तीन टारगेट के लिए आप इसको यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं, 92 का स्टॉप लॉस के साथ। तो ये एक अच्छा इसलिए दिख रहा है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और ये यहाँ से दिखता है कि ये एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ से दे सकता है। ये बहुत ही लो है, और कैंडल पैटर्न में अभी चार्ट पे एक जस्ट वीकली बेस पे इसने बाइंग पैटर्न चालू किया ही है। आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ये 20 जो क्लोजिंग हुआ 18 तारीख को एनएससी पे 111.40 रुपये पे हुआ है, 4 रुपये 20 पैसे ऊपर होकर के हुआ है। वॉल्यूम हुआ 2,23,413। इसका जो 52 वीक हाई है 194 है और लो है 94। और अगर वॉल्यूम वेटेड एवरेज भी एनएससी पे जाकर के इसको देखेंगे, तो यहाँ पे जो सिग्नल दे रहा है वॉल्यूम का, वो भी जहाँ 152 पे होना चाहिए था 140 पे हुआ, तो न्यूट्रल को बहुत ज़्यादा डाउनफॉल ऐसा नहीं दिख रहा है। इसकी जो PE 20 है, और आप देखेंगे डिलीवरी 45% हुआ है, जो 2,23,000 हुआ इसमें 1,01,000 की डिलीवरी हुई है। इनफैक्ट लास्ट 15 डेज का देखेंगे तो डिलीवरी परसेंटेज आप देखिए 59, 70, 58, 50, 59, मीन्स कोई ना कोई 101 से 105, 106, 110 में ये यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है। अब कंटिन्यूअस एक्यूमुलेशन यहाँ पे चल रहा है 101 से 110, 6, 5, 6, 11 में। टेक सॉल्यूशन एंड इट्स सब्सिडीज प्रोवाइड डोमेन इंटेंसिव सर्विस एंड सॉल्यूशन इन लाइफ साइंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये कंपनी का वर्क है। अच्छा चीज क्या है? अच्छा चीज, मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो 0.77। अगर इसकी मार्केट कैप टू 1 होती है इक्वल, जो कि बहुत ही लो है, 0.77 की जगह अगर 1 भी होता है तो 160 के अराउंड में इसका भाव होगा। जहां आप देखें तो प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 67%, प्राइस टू कैश वैल्यू 15 के आसपास, रिटर्न ऑन कैपिटल लिमिटेड 13 के आसपास, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, डेब्ट है 473 करोड़ का, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही इसका एक साल का इतना 385 करोड़ का है, डेब्ट भी ज्यादा नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है? 7.91%। प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस 120 102 का है और वहीं पे चल रहा है, तो कहीं से भी ये कॉस्टली नहीं है। और होल्डिंग में आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड यहाँ पे अभी बढ़ा रहा है, म्यूचुअल फंड ने बाइंग किया, एफआई थोड़ा डिक्रीज किया है जून से, मार्च से जून में, और वहीं म्यूचुअल फंड ने अपनी पोजीशन को बढ़ाई है। टैक्स सॉल्यूशन में अगर देखें पैटर्न, देखें मंथली बेसिस पे, तो मंथली बेसिस पे एक यहाँ देखिए स्टॉक एक्सचेंज ऊपर की ओर जा रहा है, आरएसआई 42 दिखा रहा है, और मंथली बेसिस पे यहाँ देखिए एक बुलिश पैटर्न टाइप का कैंडल बना है, ऊपर की ओर बना है, तो कहीं ना कहीं इसके फॉल जो है वो रुके हुए हैं। और यहाँ से भी देखिएगा इस पीरियड में, आप जब देखिएगा 4 फरवरी 2011 के आसपास जो दिखा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे भी कुछ अपसाइड ही दिखाया था, यहाँ से ही अप लिया था। तो अब चांसेस है कि ये मेरे अंदाज से इसको 94 है यहाँ पे, ये तोड़ेगा नहीं इसको, और यहाँ से अपसाइड आपको लेते हुए तो ये 94 है, फिर भी आप 92 रुपये नीचे की ओर चाहें तो इस पर सपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ पे आप सपोर्ट ले लीजिए इसको 90 के आसपास, 91, 92 के आसपास सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे सपोर्ट ले लीजिए। ये टूटेगा तो फिर आपको एक बार नीचे की ओर आते हुए आपको दिख सकता है जो 56, 57 आता है, टूटना नहीं चाहिए, टूटता भी है लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, ये टूटे चाहे नहीं टूटे, क्योंकि आप देखिए ये देखिए मंथली बेसिस पे ये जो ऊपर की ओर निकला है ये कम से कम यहाँ तक जाएगा, ऊपर की ओर 79% जाएगा जो 30 पे है। और आप जब भी देखिए यहाँ से ये अपसाइड लिया है, यहाँ पे एक बार गिरा है लेकिन दूसरी बार बहुत अच्छा अप लिया है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक सारे से ही पॉजिटिव दिखा रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया तीन टारगेट के लिए 129, 153, 184, यहाँ पे चार्ट पे भी है 129, 153, 184 के लिए आप इसमें बाइंग पैटर्न बना सकते हैं। और डेली बेसिस पे देखेंगे, वीकली बेसिस पे देखेंगे,
यहाँ इनडिसिजिव कैंडल के बाद ये एक अच्छा बुलिश पैटर्न बनाया है, और अभी इसने इसके पहले ये जो था लोअर लोएस्ट 98 का बना करके 101 बनाया था, हाई बनाया था 103, और अभी ये जो क्लोज दिया है 111.40 रुपये के आसपास दिया है। तो यहाँ पे कोई भी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, ये अच्छा स्क्रिप्ट है। पहला 130, फिर दूसरा 153 और 184 के लिए अपने पोर्टफोलियो में इसको रख सकते हैं। आप पेपर ट्रेडिंग करें, अगर मार्केट से कोई भी बाइंग सेलिंग करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने की बात करें। पेपर ट्रेड करें, वॉचलिस्ट में रखें, देखें, एनालिसिस करें। ये शेयर अच्छा दिखता है, अभी भी बाइंग सेंटीमेंट इसमें जो है 71% है, सेल है 29%। तो हर तरीके से ये एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्क्रिप्ट देखने को हो सकता है। फिर भी प्रोज एंड कॉन्स मार्केट में होते ही हैं, आप देख सकते हैं। तो इसलिए मार्केट में कोई पोजिशन बनाने के लिए आप पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।